मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बम्बलबी ग्रिफिन रॉक में वापस आ रहा है। इस बार मेरे BFF के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, है ना? BFF क्या है? बॉट फ्रेंड फॉरएवर। ओह, क्या मैं भी एक बैनर लगा सकता हूँ क्या? मुझे लगता है वेलकम बम्बलबी गैलेक्सी के हीरो बस यही काफी है। ब्लेड्स, ऑप्टिमस प्राइम के ट्रांसमिशन ने बताया है कि बम्बलबी 3 दिन तक यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ओह, बहुत कम वक्त है। मैंने तो वेलकम सॉन्ग गाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं सीखा है भाई। कभी ये सोचा है कि बम्बलबी यहाँ पर किसी खास मकसद से आ सकता है? क्या मुझसे मिलना जरूरी नहीं है? तो मैं गुब्बारे और पार्टी हैट्स नहीं तोड़ने फोड़ने वाला। ब्लेड्स, ये लो गुब्बारों के लिए हीलियम गैस। कोडी, क्या तुम मेरे लिए मेल कर सकते हो? ये मेल आज ही भेजना है और मैं अभी बहुत बिजी हूँ। ठीक है डैनी, वेलकम की स्पेलिंग गलत लिखी है। मजाक कर रहा था। चलो अब जल्दी जाओ। वाओ, तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं फ्रैंकी। हाँ, ये डैड की नई खोज है। स्की नीकर्स, वाटर स्की शूज, हम इन्हें टेस्ट करने ही जा रहे हैं। तुम आना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये सुनने में तो वाकई बहुत दिलचस्प लग रहा है और ऐसे मौके पर मुझे बूट बनने में बहुत मजा आएगा। मेरी स्की निकर्स को चलाना बहुत ही आसान है। इसका सोल पानी के ऊपर ही रहता है और एकदम से रफ्तार पकड़ लेता है। ये और इस तरह से की जाती है सी स्केटिंग। वो देखो, सोए थे चार बॉज कहीं पर, 40 सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। जल्दी करो, हमें डैड के लैब में वापस जाना है। संभल कर बैठना। वाह हीटवेव, तुमने सर्व करना कब सीख लिया? अच्छा तो इसे ये कहते हैं? हाँ, और तुमने हमारी जान बचाई। इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। पर अब शायद मेरी लैब नहीं बची। डॉग, वो वेव कैसे आई थी? दरअसल समुद्र की इस हलचल के कई कारण हो सकते हैं। एक बार मेरा ये सामान बन जाए तो मैं इस पर और भी अच्छी तरह से रिसर्च कर सकता हूँ। फ्रैंकी, मुझे तुम्हारा ब्लो ड्रायर चाहिए। और आज वो दिन आ ही गया है। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले मैं एक वेलकम स्पीच दूंगा, फिर एक गाना होगा और उसके बाद एक सरप्राइज होगा। याद है ना कोडी, जब तक मैं ये ना कहूँ रस्सी मत खींचना अभी। हाँ, समझ गया। और अब हम बाकी सोची हुई चीजें करते हैं। बी से बम्बलबी, याद रखो जितना हम इस विजिट को मजेदार बनाएंगे उतना ही वो ज्यादा यहाँ रुकेगा। ओह, अब नहीं। मैंने बम्बलबी के आने की खुशी में एक कविता भी लिखी है। कोड 7, कोड 11 जैसा कोई नहीं। मैं आगे भी लिखता लेकिन मुझे अच्छे राइम होने वाले वर्ड्स मिले ही नहीं। उम्मीद है तुम सबको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। ये मेरी तरफ से है, सबको पसंद आएगी। बम्बलबी और ऑप्टिमस। मुझे लगता है हाइकिंग और स्ट्रैप बुकिंग के बाद तुम दोनों की बारी आ सकती है। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। बम्बलबी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा है। वॉरियर स्काउट्स को घूमने फिरने का वक्त नहीं मिलता है। वो आ गया।
और अब मैं स्वागत में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। हमें बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि... क्या मतलब कि तुम्हारे पास मिलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है? मैंने पूरा हफ्ता प्लान करके रखा है। ओ, तो तुम यहाँ पर किसी मिशन पर हो? वैसे क्या मिशन हो सकता है? हेलो रेस्क्यू बॉट्स, मेरी टीम ने एक नई साइबरट्रोनियन आर्टिफैक्ट के बारे में पता किया है जो ग्रिफिन रॉक के पास है। मैं उसे आसपास ओशन में ढूंढ रहा हूँ। तुम प्लीज बम्बलबी को उसके काम में मदद करना, और जैसे ही कुछ पता चले मुझे बता देना। इस टेक्नोलॉजी को कोई प्राइम पावर ही खत्म कर सकती है। ऑप्टिमस से एक असाइनमेंट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। बम्बलबी को हेल्प करके अच्छा लगेगा। चलो अपने नए मिशन के बारे में चीफ को बताते हैं। लेकिन हम अभी नहीं जा सकते हैं। हमें इस मिशन के लिए फॉसिल ढूंढने जाना होगा। बढ़िया, तो अगर हम इसे ढूंढ लेते हैं तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? केट, ये कोई गेम नहीं है। साइबरट्रोनियन नाम की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ओ, ऐसी बात है तो तुम्हें इस पर पहले से ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तुमसे फुर्सत मिलती तो। बी ने कहा जैसे उसे कुछ पता चलेगा एक बीप बजेगी। ओके, चलो ढूंढना शुरू करते हैं। इतनी जल्दी नहीं डैनी, मुझे अभी अभी मेनलैंड से कॉल आया कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। क्या? मैंने 3 दिन पहले इसे रिन्यूअल के लिए भेजा था। कोडी ने ही मेल किया था। मैं मेल करने वाला था डैनी, लेकिन तब तक फ्रैंकी आ गई और मैं उसके साथ चला गया। सॉरी, अब से मैं तुम्हारे पूरे हफ्ते का काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं कोडी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। अगर तुम मेरा कमरा साफ करना चाहो तो मैं तुम्हें कागज भेज दूंगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं होता तुम उड़ नहीं सकते ब्लेड्स। पर बम्बलबी को मदद की जरूरत है, और हम सब में सिर्फ मैं ही वो हूँ जो उड़ सकता है, इसलिए मुझे लगता है। नहीं, अगर किसी ने डैनी को बिना लाइसेंस के फ्लाई करते हुए देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रूल्स तो रूल्स होते हैं। एयर सेफ्टी रूल 46306 सबसेक्शन 7 वाला रूल। लेकिन डैनी अभी ड्राइव कर सकती है ना? उसे बी के साथ भेज दिया जाए। मुझे अपना पार्टनर तुम्हारे साथ शेयर करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे दो पक्के दोस्त साथ में जाएंगे, इससे अच्छा क्या होगा? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है। पावरफुल हो, फास्ट हो और स्मूथ भी। एक्सक्यूज मी बम्बलबी, आगे वो फील्ड नजर आ रही है? एक बार मैंने और डैनी ने मिलकर एक गाय को बचाया था, वहाँ पर बेचारी फेंस में फंस गई थी। ये देखो, इस लेफ्ट में कर्टनी ब्लफ है। और एक बार ब्लेड्स, अपनी बकवास बंद करो और मिशन पर ध्यान दो। ठीक है, चलो इस फायर रोड से चलते हैं और जंगल में ढूंढते हैं। हाँ, मेरी चिंता मत करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, मौका मिला तो। लगता है हमने साइलेंट का चप्पा चप्पा छान मारा है। ऑप्टिमस ने तो कहा था कि रेलिक शायद आइलैंड पर ही मिलेगा। शायद उन्होंने आर्टिफैक्ट को किनारे के उस पार कहीं ढूंढ लिया है। हमें अभी फायर हाउस जाकर नोट्स कंपेयर करने चाहिए। आखिरकार। ओह, बम्बलबी, एक बार तुम वापस आ जाओ, फिर हम बैठ के एक बहुत अच्छी पिक्चर देखेंगे। उसमें तो दोस्त होते हैं जो पूरी दुनिया साथ घूमते हैं और बहुत सारा एडवेंचर करते हैं। सब सुनो, मुझे अभी कैप्टन शॉ का कॉल आया है। एक व्हेल तैरते हुए फेरी के बहुत नजदीक आ रही है, बहुत पास। बचाओ! डैड, व्हेल की वजह से फेरी डूब ना जाए। मैं देख लेता हूँ कोडी। टीम ध्यान से सुनो, ये एयर और सी रेस्क्यू है। हीट वेव ओशन के लिए निकलो, ब्लेड्स और मैं तुम्हें वहीं मिलेंगे। बम्बलबी और डैनी क्या करेंगे? वो बोल्डर और चेस के साथ घर पर इंतजार करेंगे। जमीन पर चलने वाली गाड़ियाँ पानी में फायदेमंद नहीं होती। अब मैं अपने बचाव वाले मूव्स उसे कैसे दिखा पाऊंगा? तो बम्बलबी, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें फायर हाउस का एक और टूर दे दूं? लेकिन मैं ये करना चाहता था। ब्लेड्स, अब ऐसे कान लगाकर सुनना बंद करो। मुझे नहीं पता था कि बेल तैर के किनारे पे आ गई है। वो ऐसा नहीं करती, कुछ तो अजीब है। कोडी, क्या तुम डॉग के ओशन लैब में व्हेल के तैरने के पैटर्न को देखकर कुछ पता लगा सकते हो? तुम सही कह रहे हो ग्रहण। ओ, बचाओ! 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 यहाँ पर! Yeah.
ठीक है, आराम से एक एक करके सब ऊपर आ जाओ, डरो मत, वेल इंसानों को नहीं खाती मेरे ख्याल से। थोड़ा नीचे, फिर लेफ्ट, हाँ, बिंगो। अब बम्बलबी के साथ वक्त गुजारने को मिलेगा। सबसे पहले हमें इस फेरी को मरम्मत के लिए भेजना होगा। क्या इसमें ज्यादा वक्त लगने वाला है? वो तो हम पर है, हम जितनी जल्दी करें। पहले वो खराब लहर और अब एक वेल गलत दिशा में जाती हुई। मुझे लगता है इनका जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है, लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट वो दिखा रहा है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं बटकस। कोडी, ओशन की अजीब हालत के बारे में तुम्हें क्या कोई कॉल आया? अजीब से एल्जी ब्लूम्स या बेतुकी लहरें? नहीं, वैसे पिछले हफ्ते मेरे डैड ने कहा था कि मेडलिन पिंच ने अंडर वाटर ड्रिलिंग का परमिट मांगा था, लेकिन मेयर ने इस काम की इजाजत नहीं दी। जो कि बिल्कुल ठीक किया। एक माइनिंग का सामान आइलैंड के आसपास इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। ये बताइए, पिंच परिवार कब से किसी की बात मानने लगा? अगर हमें कुछ मिलता है तो हम तुम्हारे पापा को जरूर बताएंगे। कोडी, आओ चलो मेरे साथ, इस सवाल का जवाब ढूंढने हम अपनी सी लैब में चलते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे शेड्यूल एक्टिविटी में नहीं था। वुहू, ये क्या बात है डैनी, तुमने ट्रेनिंग कोर्स का एक नया स्पीड रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत अच्छे पार्टनर। पार्टनर? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बहना, मैं और हीट वेव तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। वैसे इस मामले के बारे में तुम्हारा क्या कहना है चेस? जैसे हमें लगा था कि साइबरट्रोनियन आर्टिफैक्ट इस आइलैंड पर मौजूद नहीं है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक नया मिशन है। बी और डी की तरफ से तुम दोनों को बहुत सारा गुड लक। क्या? मैं हूँ तुम्हारा असली बी, यानी कि मेरा नाम ब्लेड्स है और उसका पहला अल्फाबेट बी है। क्या तुम नाराज हो ब्लेड्स? ये तो बस एक ड्राइविंग कोर्स है, बी के साथ टीम बनाने पर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? बुरा? मुझे कब बुरा लगा, बिल्कुल भी नहीं। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ना हमारे पिट क्रू बन सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो साइडलाइंस पे बैठे हो, तुम तो नहीं, बस... नहीं, नहीं, नहीं। एक दिन के लिए जितना कुछ हुआ है वो बहुत है, थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे एक अच्छी सी पिक्चर देखनी है। बी और डैनी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के। उन्हें तो मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे है। ऑप्टिमस प्राइम सर, आपने मेरी पूरी बात सुनी क्या? बहुत कुछ। बम्बलबी और उसके साथ ही रेस्क्यू बॉट्स कहाँ हैं? सब ट्रेनिंग कोर्स पर हैं। आप चाहे तो मैं आपको वहाँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। आप मुझसे ही मिलना चाहते थे? इस आइलैंड का हश्र इसी पर निर्भर करता है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा सर। वाह, ऑप्टिमस प्राइम, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं अपने डैड को ले आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं होगी कोडी, मुझे जो मदद चाहिए वो ब्लेड्स दे सकता है। चीफ को बस इतना बता दो कि हम एक मिशन पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम, मैं और ऑप्टिमस मिलकर हम बन जाते हैं। मिशन के लिए तैयार है सर। सर, मुझे कहना ही पड़ेगा, इस रफ्तार की तो बात ही कुछ और है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अपनी पूरी ताकत लगा दो चेस, बम्बलबी से आगे बढ़ने का यही सही मौका है। शायद इंसान ऐसी स्थिति में कहते हैं वहीं लटके रहो। इसे पकड़ो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। माफी चाहता हूँ सर, बोल्डर ने मुझे बताया था कि ये रेस ट्रैक बहुत ही सुरक्षित है। इसका पता हम बाद में लगाएंगे, अगर हम बच गए तो।
चलो फिशिंग करना भी आज काम आ गया। प्लीज हमें वापस मत फेंकना। कुछ कह नहीं सकते। ग्रैम, कोई आइडिया ये कैसे हो गया? इससे कुछ खास समझ में नहीं आया। समुद्र के पानी से ये ग्राउंड ऐसा हो गया। आइलैंड पर रहने वालों के लिए ऐसी बातें सही नहीं है। मैं डॉक से बात करता हूँ। ऑप्टिमस सर, आखिर हमारा मिशन है क्या? साइबरट्रोनियन आर्टिफैक्ट को ढूंढना। किसी तरह की अर्थ टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो गई है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो लिक्विड हो जाएगा, फिर वो चट्टान हो, मेटल या कुछ और। अगर उसे डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो ये पूरा आइलैंड पानी पानी हो जाएगा। लेकिन फिर तो सभी के सभी लोग। हाँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे साथ चलो और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। टेनियर बी को ये बात जरूर बताऊंगा। अच्छा, कहाँ जाना है सर? मुझे भी ठीक से पता नहीं है। पानी की गहराई की वजह से डिटेक्शन डिवाइस में मुश्किलें आ रही हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पास ही में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। तो हम एक लिक्विडेटर ढूंढ रहे हैं। शायद वो लिक्विफायर है। इससे हमें चीफ का सिंक होल वाला मैसेज समझ में आ जाएगा। पहले वो खराब लहर और उसके बाद उस वेल का गलत दिशा में जाना, इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कोडी, ऑप्टिमस प्राइम को ये बता दो कि मैं उन्हें जल्द से जल्द डेटा भेजने वाला हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है डॉग। डैड, ग्रिफिन रॉक खतरे में है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ, सिंक होल्स में गीजर्स फूट रहे हैं क्या? मेयर का अभी अभी कॉल आया था। हमें सारी इमरजेंसीज के बारे में फौरन बताओ कोडी। हम कोशिश करेंगे कि हम सभी काम बांट ले। रेस्क्यू बोट्स और माननीय रेस्क्यू बोट्स, बचाव के लिए तैयार। ब्लेड, सिग्नल सोर्स को तुम्हारी अभी की लोकेशन से 3 डिग्री साउथ ईस्ट में होना चाहिए। थैंक्स डॉक, हम पहुंचने वाले हैं। मुझे खुशी है कि तुम कुछ देर के लिए ही सही, पर अपनी टीम को छोड़कर मेरी मदद के लिए आ गए। ऑप्टिमस, आपकी मदद करना बहुत बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर, जैसे आप तो एल्विस से भी बड़े हैं। मैं एल्विस से नहीं मिला हूँ और मुझे उसकी साइज का भी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा पार्टनर अकेला पड़ गया और इस मिशन का हिस्सा नहीं बन पाया? नहीं, डैनी फिलहाल उड़ भी नहीं सकती है, लेकिन वैसे भी उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि ये तो सबकी भलाई के लिए हो रहा है ना? सही कहा तुमने। ऐसी बढ़िया टीम में जलन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात डैनी के बारे में नहीं है ना? लगता है हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। शायद इसी की वजह से साइबरट्रोनियन रेलिक एक्टिवेट हो गया है। मुझे नीचे उतारो। कोडी, क्या तुम ये देख रहे हो? ये मेडलिन पिंच का ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेयर ने कहा वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओहो, कोई तो मुश्किल में फंसने वाला है। हाँ, ये पूरा आइलैंड। सबको बता दीजिए कि रास्तों में पानी भर रहा है, सब संभल कर गाड़ी चलाएं। बचाओ, मेरे बच्चे को मत बचाओ। बचाओ मेरे बच्चे को। समस्या हल हो गई। मुझे नहीं लगता। दोस्तों, मुसीबत तो और बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं जानती हूँ। ऊंचे इलाके की तरफ जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा। याक, ये क्या, कोई है? नहीं, आगे मत आना, ये एक दलदल है। अब जबकि साइबरट्रोनियन आर्टिफैक्ट काम ही नहीं करेगा,
तो तुम्हारा आइलैंड कल तक फिर से पहले जैसा हो जाना चाहिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है, इसे दलदल किसी वजह से ही कहते हैं ना। यानी ज्यादा हिलना डुलना नहीं, हम रास्ते में ही हैं बस। मैं जितनी तेज उड़ सकता हूँ उड़ रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी रफ्तार कम हो रही है। गुड लक। थैंक यू ऑप्टिमस। काश बम्बलबी को एयर रेस्क्यू करना आता होता। जानी, बहुत बढ़िया बी, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। डैनी की जान बचाने के लिए शुक्रिया बम्बलबी। तुम्हारे भाव से लगता है कि तुमने कहा होगा बी ब्लू ब्लीप। हाँ, वो कह रहा है कि वो जानता है कि टीम में होने की जिम्मेदारी क्या होती है। तुम बम्बलबी की बात समझ सकती हो? मैं नहीं समझती, लेकिन शायद यही सच होगा। हम्म।